अस्सलामुअलैकुम मैं YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हाज़िर हैं जी हम ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड स्टे कनेक्टेड। आगे आगे देखे होता है क्या। तो चलें जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरे भाई की मेहंदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियों का टाइम आ गया है। अल्लाह पाक ये टाइम सबको देखना नसीब करे। तो चलें जी, मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करते हैं। आज सलोन वाली घर पे बुलाई है और मैं आपको अपनी मेहंदी का कलर भी दिखाती हूँ, मेरी मेहंदी किस तरह की लग रही है। बहुत प्यारा कलर आया था, उसने मेहंदी भी बहुत प्यारी लगाई थी, मैंने मेरे भाई की शादी लिखवाया था। तो लें जी, ये देख सकते हैं आप लोग, दोनों मेहंदियाँ बहुत प्यारी लगी थी। अगर किसी ने मेहंदी लगवानी है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर ले। तो चलें जी, खाना बनकर आ गया था, खाने में जलफ्रेजी थी, उसकी वजह से सलोन वाली भी आने वाली थी, उन्होंने आकर अपना सारा मेकअप सेट कर लिया था। बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, इनका इंस्टाग्राम है ब्यूटी जोन बाय हमना, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम पर उनका पेज भी विज़िट कर लें, ब्यूटी जोन बाय हमना, ठीक है। तो उसके बाद ये रही जी मेरी फ़ाइनल लुक। मैंने येलो कलर का लहंगा पहना था, ग्रीन कलर की शर्ट पहनी थी। और अब मैं आपको अपना थोड़ा सा हेयर स्टाइल दिखाती हूँ, मेरा हेयर स्टाइल किस तरह का बना था। बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बना था, मैंने ब्रेड बनवाई थी, फ्लफ़ी वाली ब्रेड बनवाई थी। तो चलें जी, अब हम घर से निकलते हैं। तो चलें जी, मैं गाड़ी में बैठ गई थी, मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करती हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा मतलब आप लोगों को मस्त लगेगा, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। चले जी, वहाँ से बसेस वगैरह भी रवाना हो रही थी, मैंने वो क्लिप भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया था, अपनी गाड़ी का भी कर लिया था। उसके बाद जी रास्ते का भी ये क्लिप है। तो चलें जी, अब आपको हम लोग होटल में जाकर मिलते हैं, इंशाल्लाह खैरियत से पहुँचे, सारे काम अच्छे अच्छे हों, आमीन। मैं आपको जाकर सारा व्यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो चलें जी, फाइनली हम लोग होटल में पहुंच गए हैं। ये सारा सेटअप था और मतलब ओपन था, पार्क में था। उसके बाद जी हम लोगों ने सारा मेहंदी का सामान सारा सेट कर लिया था ताकि हम लोग टाइम से फ्री हो जाएं। उसके बाद जी कॉकटेल रख लिया था, मिठाई रख ली थी, चॉकलेट्स रख ली थी मेहंदी के थाल में। उसके बाद ये गाने थे जो हम लोगों ने सेट किए थे। उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी कज़न्स थी तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें मतलब रख ली थी। उसके बाद जी प्रॉप्स थे, माँ का लाडला था, भाई की शादी था, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई की मेहंदी, भाई की शादी, और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बहनों की, कज़न्स की, भाइयों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बहुत अच्छे अच्छे हो गए थे। तो चलें जी, अब मैं आपको मिलती हूँ ढोलों पर। जी ढोल छोल वाला काम हो गया था, लड़की की एंट्री हो गई थी माशाल्लाह, दो तीन दफ़ा सबकी एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद जी अब कपल की एंट्री है स्टेज पर, और आप एंट्री देख सकते हैं, फायरवर्क हुआ था। और
और ये देखें हम कज़न्स ने बैरिंग बैंगल्स पहनी थी, नेल्स लगाए थे। उसके बाद जी ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत से गाने कस्टमाइज गाने करवाए थे हमने अक्रैलिक के ऊपर। और ये दो बड़े वाले गाने मेरे हैं, आप ये देख सकते हैं कस्टमाइज अक्रैलिक के ऊपर ये गाने हैं। मतलब हम लोग जैसे जैसे बोलते हैं उसको, जेरा कब्रो, खनसा की बाजी, शीला, मैशी का वीर, ये मतलब हम लोगों ने लिखवाया था। ये देखें मेरे भाई को शौक था हाथ भर के गाने पहनने का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरा हो गया। आपको दुल्हन से मिलवाते हैं, दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, उसने मॉडल ग्रीन कलर का ड्रेस पहना।
तो चलें जी, मुझे इस व्लॉग से इजाज़त दें। होपफुली आप लोग ये व्लॉग को इन्जॉय करेंगे। अब आपको इंशाल्लाह बारात का व्लॉग मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।